channel and welcome to get ready with me for Diwali. It's been a while since I have done a get ready with me, so let's do it. आज दीपावली है एंड सबके घर पे इस टाइम पर पूजा चल रही है, बट ये मुझे दिवाली की चीज़ अच्छी लगती है कि पूजा लेट होती है तो आराम से तैयार हो सकते हो. मतलब जिस रूम में मैं रेडी हो रही हूँ ऑब्वियसली उस रूम में मेरी मॉम पूजा करेंगी और यहाँ मैं तैयार हो रही हूँ. सो लेट्स गेट रेडी टुगेदर. So this was a brush ka promo. Love this. See, Diwali special meals. मतलब इन नाखूनों ने मुझे आज इतना परेशान किया है ना. मुझसे बाल बन रहे थे. Neither I was able to do my hairs. Nothing was happening with them. तो जो इतने लंबे नाखून रखता है, hats off to you. Like for real, hats off to you. This is how I like to sit and do my makeup. इज यूजिंग दिस ब्लू हेवन लिपस्टिक. मुझे पता नहीं, रियली लव इसके अंदर जो पार्ट आता है ना. अब स्किन के साथ साथ लिप्स प्रेप भी इम्पोर्टेंट है. लेट्स जस्ट यूज दिस एल्फ का कलर करेक्टर टू जस्ट गिव द करेक्शन टू माई स्किन, जो आपने अभी टाइम लैप्स पे देखा. सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टेप व्हिच विल बी एल्फ का हेलो ग्लो फिल्टर टू दैट एक्स्ट्रा शीन टू माई स्किन. बड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि ऑफिस की पूजा चल रही है. वैसे तो कलर करेक्शन के बाद या तो यू शुड अप्लाई फाउंडेशन और यू शुड गो विद कंसीलर, बट मेरे को ही करने का मन है तो हम पूरा मुँह अपना चिट्टा 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 क्या बल्ब की तरह ग्लो करेंगे. मैं मेरी मम्मा एकदम बंगाली बहू बनी हुई हैं. अभी पूजा हो जाएगी उनकी, उसके बाद यू सी दिस ग्लो. This is the holo filter. मेरा थोड़ा स्टोरेज कम है तो विल डू जल्दी जल्दी. नाउ आई अप्लाई माई लॉरियल. आई हैव यूज दिस लॉरियल का कंसीलर इन द शेड 314 वेज. दिस इज ब्राइटनिंग एंड यू नो करेक्टिंग कंसीलर बोथ. तो आई जस्ट ब्लेंड इट फटफट. फेवरेट की ब्यूटी का फाउंडेशन आई जस्ट टेक. वन पंप इज इनफ बिकॉज माई फेस इज ऑलरेडी लुकिंग. हो गई थी बनाते बनाते. नाउ लेट्स सेट आवर फेस विद दिस के ब्यूटी का पाउडर. Obviously, I am in love with K Beauty और इसे अच्छे से हम सेट करेंगे. समझ गए, समझ जाओ ऐसे ही करके पूरा. अर्बन डिके का पैलेट नहीं, ब्यूटी ग्लेज्ड का पैलेट. ऑब्वियसली एक ट्यूब आई गॉट इट फ्रॉम मीशो और इसमें कुछ तो सिमिलर शेड्स हैं. तो मतलब ये आई एम प्लानिंग टू यूज़ ये वाले. तो मैं आपको कर करा के मिलूँ बिकॉज आई एम एक्चुअली नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेस. सो मैं जब फाइनल टच दूंगी देन आई विल बी देयर. मैं वैसे बहुत बेसिक सा ही थीम ये और ये लगा. जय गणेश देवा. इतना ही है. पार्वती पिता महादेव.